बिहाटिक्स। बिहाटिक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में 8 की जगह 12 घंटे काम कर सकेंगे श्रमिक, नीतीश सरकार ने श्रम कानून में किया संशोधन। पटना में रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट, किताबों की दुकानें भी 3 दिन खुलेंगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर फिर से काम शुरू होगा, हरदीप सिंह पुरी बोले एयरफोर्स से मांगी गई अनुमति। महाराष्ट्र से लौटे प्रवासियों को मुजफ्फरपुर से कटिहार ले जा रही बस की ट्रक से भीषण टक्कर, 2 की मौत 30 घायल। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर में रोडवेज बस ने प्रवासी मजदूरों को कुचला, 6 की मौत, पैदल आ रहे थे बिहार। बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए फोन नंबर जारी। बक्सर के कांग्रेस विधायक की राहत गाड़ी से शराब जब्त। मौसम विभाग का अनुमान, इस साल देश में समय से पहले लेकिन बिहार में 3 से 7 दिनों की देरी से आएगा मॉनसून। पटना हाईकोर्ट ने बनाया रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिन में 400 जमानत अर्जियों का किया निपटारा। विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल को दिया ज्ञापन, गृह सचिव आमिर सुभानी को पद से हटाने की मांग। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा लोन, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की होगी सुविधा। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे, 15 मई से वेटिंग टिकट भी ले सकेंगे यात्री। कोरोना संकट के बीच WHO में बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार भारत, अफसर के साथ आई जियोपॉलिटिकल चुनौती। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने खारिज की विजय माल्या के सुप्रीम कोर्ट जाने की अर्जी, जल्द भेजा जा सकता है भारत। साउथ चाइना में बढ़ा तनाव, चीन ने दी कब्जे की धमकी, ताइवान करेगा युद्धाभ्यास। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने श्रमिक कानून में बड़ा संशोधन करते हुए फैसला लिया है कि प्रदेश में अब श्रमिक 8 घंटा के बजाय 12 घंटा तक काम कर सकते हैं। श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि श्रमिकों के अधिक समय तक काम करने पर श्रमिकों को कंपनियां अतिरिक्त मेहनताना भी देगी। विजय सिन्हा ने बताया कि इस बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेज दिया गया है। पटना में रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। DM कुमार रवि ने यह आदेश जारी किया है। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट रोजाना दी गई है, वहीं किताबों की दुकानें सिर्फ 3 दिन ही खुल सकती हैं। पटना जिले में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किताब की दुकानें खुलेंगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स से एयरपोर्ट के काम को शुरू करने का आग्रह किया गया है। एक बार हम काम शुरू करेंगे तो अक्टूबर 2020 तक तमाम काम पूरा हो जाना चाहिए। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर क्षेत्र के चंद्रायर में शंकर चौक के पास NH 28 पर गुरुवार की सुबह मुजफ्फरपुर से प्रवासियों को लेकर कटिहार जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बस यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस दुर्घटना में मरने वालों और घायलों में 8 लोग गोपालगंज के रहने वाले हैं, जिसमें पिता और बेटे भी शामिल हैं। वे सभी अपने घर का कर्ज उतारने के लिए 5 महीने पहले ही हरियाणा की प्लाई कंपनी में काम करने गए थे। BPSC द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से जुड़ी समस्या समाधान के लिए फोन नंबर जारी किए गए हैं। परीक्षा आयोजन परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में 0612-22-37-999 पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में परीक्षा शुल्क भुगतान या अन्य तकनीकी समस्या के निदान के लिए 0612-22-15-795 व मोबाइल नंबर 9297739013 पर संपर्क किया जा सकता है। बक्सर सदर विधायक संजय उर्फ मुन्ना तिवारी की गाड़ी से 8 बोतल शराब मिली है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें गाड़ी के चालक सुशील प्रसाद के अलावा अनिल तिवारी, विक्की तिवारी व नीतीश कुमार शामिल हैं। विधायक ने कहा कि कोरोना की भयावहता को लेकर हर कोई परेशान है। हम जिले में कई जगह राहत कार्य में जुटे हैं। गाड़ी से राहत सामग्री भेजी गई थी। किस हालत में शराब बरामद हुई मुझे नहीं पता। मौसम विभाग का अनुमान है कि भारत में मॉनसून का प्रवेश 15 और 16 मई को हो जाएगा। इस दिन अंडमान और निकोबार में बारिश शुरू हो जाएगी। इन 2 दिनों में यहां के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
इसके बाद अंडमान से होता हुआ मॉनसून 1 जून तक केरल के तटों पर दस्तक दे देगा। वहां से आगे बढ़े हुए यह 11 जून तक मुंबई और फिर 27 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है, लेकिन बिहार में 3 से 7 दिनों की देरी से मॉनसून पहुंचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिन में 400 जमानत मामलों का निपटारा कर पटना हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही ऐसा करने वाला देश का अव्वल हाईकोर्ट बन गया है। इसके पहले केवल गुजरात हाईकोर्ट आगे था, जहां एक दिन में 147 मुकदमों का निपटारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य के वर्तमान गृह सचिव आमिर सुभानी को अविलंब पद से हटाया जाए। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद ने राज्य में हिंदुओं के साथ हो रहे नियमित अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की है। अपने जारी बयान में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मिलन परांडे ने कहा है कि राज्य में हिंदुओं पर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दोषी लोगों को दंडित नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया। दूसरे चरण की घोषणाओं में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की सुविधा की बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों को कम किराए पर घर मुहैया कराएगी। स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे अपनी सेवाओं में विस्तार करने जा रहा है। रेलवे की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि भविष्य में शुरू होने वाली सभी सेवाओं के लिए 15 मई से वेटिंग टिकट की बुकिंग भी शुरू होगी। ये बुकिंग 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए होगी। रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर में 200 एसी चेयर कार और थर्ड एसी में 100 जबकि सेकेंड एसी में 50 लोग ही सफर कर सकेंगे। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी, वहीं कोरोना वायरस लक्षण वाले यात्रियों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कुर्सी संभालने वाला है। WHO के निर्णय लेने वाली इकाई का जिम्मेदारी नई दिल्ली के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, तब जब संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी अमेरिका और चीन के जियोपॉलिटिकल लड़ाई का केंद्र बन गई है। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण केस में अर्जी देने का आवेदन दिया था। इस फैसले के बाद माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर निगाहें वहां के गृह सचिव प्रीति मेनन पर जा चुकी है। ब्रिटिश कानून के मुताबिक अब हाईकोर्ट के द्वारा एक समय सीमा तय की जाएगी, जिसमें माल्या के प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। दक्षिण चीन सागर में चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन ने कहा है कि वह अगस्त में एक विशाल सैन्य अभ्यास करेगा। इसमें ताइवान के दोंगसा द्वीप समूह पर कब्जा करने का अभ्यास किया जाएगा। चीन के इस ऐलान के बाद ताइवान ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। ताइवान ने घोषणा की है कि वह जून में दोंगसा पर फायरिंग का अभ्यास करेगा। और अब कोरोना अपडेट न्यूज। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 967 हुई। पूर्णिया के 9 और खगड़िया के 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 967 हो गई है। गुरुवार को 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पूर्णिया में 9 और खगड़िया में 4 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को 74 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना से बिहार में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 405 लोगों ने कोरोना को मात दी है और वे स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट गए। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 78,003। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,722 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 78,003 हो गई है, जिनमें 39,219 सक्रिय हैं, 26,235 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,539 लोगों की मौत हो चुकी है। अब समय है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर राजेश कश्यप और प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। आज का प्रश्न, ब्रिटिश हाईकोर्ट ने किस कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।